Next one, enter two numbers and display largest number among two numbers or two integers. इस प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे मल्टीपल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. देन डिफरेंट मीन्स सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके लिए प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, देन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स और सम कंपैरिजंस. मीन्स इस केस में सबसे पहले मीन्स कॉन्सेप्ट क्या होगा, सपोज दैट वी आर हैविंग टू नंबर्स लाइक एक्स और वाई. एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में टेस्ट क्या करेंगे, कंडीशंस, सम कंडीशन बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. जब भी स्मॉलर, लार्जर और इक्वलिटीज के लिए कंपैरिजन परफॉर्म कराएंगे, ऑलवेज यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशन के केस में, इस केस में फाइंड आउट क्या करना, लार्जेस्ट नंबर एमंग टू इंटीजर्स. टू मीन्स टू इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में टू वेरिएबल्स क्रिएट करा लेंगे, वेरिएबल इंट एक्स इंट वाई लाइक दैट. आउट ऑफ टू वेरिएबल्स कंडीशंस अप्लाई करेंगे सम इफ कंडीशंस. इफ के केस में पॉसिबल केस क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू देन चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ इफ. इफ कंडीशन इज फॉल्स देन चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है, इसके इसमें बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक. अगर कंट्रोल इफ बॉडी पार्ट में सेंड हो रहा है, कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू मीन्स डिस्प्ले क्या करा लेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स एक्स इज लार्ज. अदरवाइज डिस्प्ले क्या करा लेंगे, वैल्यू ऑफ वाई लाइक दैट. दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर फाइंड आउटिंग लार्जेस्ट नंबर अमंग टू इंटीजर्स लाइक दैट. फर्स्ट वे, इस केस में अगर ऑब्जर्व करें दोनों ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, इफ एंड एज वेल एज एल्स कॉन्सेप्ट. वाइट मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस लाइक दैट. इफ इस केस में टोटल थ्री वेरिएबल डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करेंगे, मीन्स वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, एक्स और वाई. मीन्स बार बार मैसेज डिस्प्ले करा के इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसका वैल्यू आसान किस में करा लेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉल्ड लार्ज. अगर एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा देन लार्ज में क्या आसान कराएंगे, वैल्यू ऑफ एक्स. इफ कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स देन लार्जर कौन इनमें से, वाई. देन इस केस में लार्ज में क्या आसान कराएंगे, वैल्यू ऑफ वाई. तो इस केस में ओवरऑल टोटल वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर करेंगे, देयर आर थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड लार्ज. इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा लार्ज, देयर आर थ्री वेरिएबल डिक्लेरेशंस. नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ x comma y, enter value of x comma y. Next one, using scanf, reading input value scanf. इस scanf के थ्रू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने रीड कराना है, इसके इसमें ओनली टू वैल्यूज, वैल्यू फॉर x एंड वैल्यू फॉर y. नेक्स्ट स्टेप क्या है, मीन्स फर्स्ट स्टेप आर कंप्लीटेड एज प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन. सेकेंड स्टेप क्या है, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड और परफॉर्मिंग रीड राइट ऑपरेशन. थर्ड स्टेप प्रोवाइडिंग प्रोसेसिंग लॉजिक्स. लास्ट स्टेप कैलकुलेटिंग रिजल्ट और डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑन द मॉनिटर. तो रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिजल्ट क्या है, लार्जर नंबर जो कि आसानी किसमें होगा, वेरिएबल लार्ज में. तो इसलिए वैल्यू किसका डिस्प्ले कराएंगे, वैल्यू ऑफ लार्ज वेरिएबल. इन दैट केस वी आर प्रोवाइडिंग इफ कंडीशंस. इफ large, sorry, if value of x greater than value of y, अगर ये if condition true है, then इस केस में provide क्या करेंगे, then large equals to x. इस condition true है, इसका मतलब क्या, condition कब true है, अगर x का value y से बड़ा है, इसलिए large भी कैसे करा लिया, value of x. दूसरा possible case क्या है इसके अंदर, means if value of x इज नॉट लार्ज और नॉट ग्रेटर देन y. अगर y का वैल्यू x से छोटा देन कंडीशन फॉल्स होगा. कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा, else ब्लॉक को. और else ब्लॉक के अकॉर्डिंग वेरिएबल लार्ज में क्या आसान कराएंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल y. मिसेस कंडीशन टेस्टिंग के जस्ट बाद फाइनली लार्जेस्ट नंबर का वैल्यू आसान किस में है, लार्ज वेरिएबल में. इसलिए फाइनली प्रिंट एप के थ्रू वैल्यू किसका डिस्प्ले कराएंगे, डायरेक्टली x और y डिस्प्ले नहीं करा के, इसके इसमें डिस्प्ले क्या करा लेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल लार्ज. और लार्जेस्ट नंबर इज
percent %d displaying value of variable large. Like that. Means check कर इस केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस टाइप से पॉसिबल होगा. इन दैट केस, इस केस में मैं एज्यूम करके चला बोथ नंबर आर नॉट इक्वल. मीन्स इक्वलिटी के लिए कोई केस अप्लाई नहीं किया. अदरवाइज आप एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, एल्स इफ एक्स इक्वल इक्वल वाई देन डिस्प्ले बोथ आर इक्वल लाइक दैट. मीन्स इस केस में खुद से एज्यूम करके चल रहा हूँ या तो एक्स वाला हुआ या फिर वाई. फर्स्ट वन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे, टू वेरिएबल डिक्लेरेशन और थ्री वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक्स वाई एंड वेरिएबल लार्ज. देयर आर थ्री वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड. नेक्स्ट स्टेप, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एंटर एक्स कॉमा वाई. देन नेक्स्ट टाइम ने एंटर किया समथिंग 10, 20. जैसे 10 एंटर करें 10 के समय आसान हो जाएगा एड्रेस ऑफ एक्स मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 10, वैल्यू ऑफ वाई बिकम्स 20. करेंटली लार्ज का वैल्यू क्या अभी भी गार्बेज. नेक्स्ट टाइम स्कैन एफ के जस्ट बार चांस किसको मिलेगा, इफ कंडीशंस कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन में एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का करेंटली वैल्यू क्या है 10, इसलिए एक्स के प्लेस पर क्या जाएगा समथिंग 10. और करेंटली वाई का वैल्यू फाउंड आउट हो रहा है 20. 10 ग्रेटर देन 20 कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है इस केस में चांस किसको मिलेगा, इफ बॉडी ऑफ इफ और बॉडी ऑफ एल्स. बॉडी ऑफ एल्स, एल्स बॉडी के अकॉर्डिंग वेरिएबल लार्ज में क्या आसान होगा वैल्यू ऑफ वाई, और वाई का करंटली वैल्यू क्या फाउंड हो रहा 20, इसलिए लार्ज में भी क्या आसान हो जाएगा वैल्यू एज 20. लाइक दैट. नेक्स्ट टाइम बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होने का चांस किसको मिलेगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट होगा लार्जेस्ट नंबर, लार्ज के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा वैल्यू ऑफ लार्ज, और लार्ज का करंटली वैल्यू क्या है 20. देन 20 फाइनली परसेंट डी के प्लेस पर क्या होगा 20. कंप्लीट मैसेज क्या डिस्प्ले होगा इससे, लार्जेस्ट नंबर कॉलन 20. फाइनल रिजल्ट इज लार्जेस्ट नंबर कॉलन 20. लाइक दैट दिस इज द फर्स्ट अप्रोच. दूसरा पॉसिबल केस क्या हुआ, मीन्स फर्स्ट केस मैंने एज्यूम किया है वाई इज लार्ज. अदर पॉसिबल केस क्या हुआ, एक्स इज लार्ज. देन नेक्स्ट टाइम अगेन सेकेंड केस के अकॉर्डिंग अगर एक्स का वैल्यू बढ़ा है देन फिर से कंडीशन, मीन्स कंडीशन सेम यूज कर रहे हैं एक्स ग्रेटर देन वाई. इस केस में बात करें सपोज दैट नेक्स्ट टाइम नंबर एंटर किया जाए 20, 10. प्रीवियस केस में क्या था 10 और 20, बट इन दैट केस एंटर इनपुट इज 20 and 5. लाइक दैट. तो सबसे पहले 20 किस में आसान होगा एक्स में, और वाई का वैल्यू क्या है 5. अगेन कंडीशन टेस्ट करें तो एक्स के प्लेस पर क्या जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 20 ग्रेटर देन वाई के प्लेस पर क्या आएगा वैल्यू ऑफ वाई विच इज 5. कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो चांस किसको मिलेगा बॉडी ऑफ इफ, बॉडी ऑफ इफ. इफ के अकॉर्डिंग एक्स के प्लेस पर क्या आसान कराएंगे वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 20. अगेन लार्ज में क्या आसान हो रहा है 20. इसे इफ का बॉडी एग्जीक्यूट हो चुका है इसलिए डायरेक्टली अब चांस किसको मिलेगा आउटसाइड इफ एल्स, मीन्स प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर. नेक्स्ट टाइम अगेन लार्ज का वैल्यू 20 फाउंड हो रहा था इसलिए नेक्स्ट टाइम ही मैसेज क्या डिस्प्ले होगा एग्जैक्टली सेम मैसेज. मीन्स इस टाइप से टू नंबर या टू नंबर्स को लार्जेस्ट के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना पॉसिबल है. सेम एज चेक करना, चेक द गिवन नंबर इज स्मॉलेस्ट और नॉट. स्मॉलेस्ट के केस में कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे लेस देन, अगर एक्स का वैल्यू वाई से छोटा है देन स्मॉलर कौन हुआ. सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट करो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर, चेकिंग गिवन नंबर इज स्मॉलर और नॉट, सम वेरिएबल डिक्लेरेशन इज स्मॉल लाइक दैट. देन कंडीशन टेस्ट कराएंगे इफ x लेस देन y, मीन्स अभी भी वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं 3, x, y और स्मॉल. देन नेक्स्ट टाइम इनपुट्स किसके लिए रीड करना है अगेन 4, x एंड y. नेक्स्ट टाइम कंडीशन डिफरेंट टाइप से अप्लाई कर लेंगे यूजिंग लेस देन ऑपरेटर. अगर x का वैल्यू y से छोटा है देन इन दोनों में से छोटा कौन हुआ x, और कंडीशन ट्रू है इसका मतलब स्मॉल कौन है x, इसलिए वेरिएबल स्मॉल में आसान क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ x, मीन्स स्मॉल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स.
अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होने के इसमें स्मॉल में क्या असाइन कराएंगे, वैल्यू ऑफ वाई। नेक्स्ट टाइम फाइनली डिस्प्ले क्या कराना है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मैसेज चेंज कर लेंगे इधर, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज वेरिएबल स्मॉल। दिस द अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग स्मॉलेस्ट नंबर्स लाइक दैट। नेक्स्ट वन इस टाइप करंट प्रोग्राम से कंपेरिजन किसके लिए हो रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू सेकंड से छोटा देन कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने के इसमें बॉडी इफ बॉडी एग्जीक्यूट इफ बॉडी के अकॉर्डिंग स्मॉल में क्या आसान हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स, और ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं एक्स का वैल्यू वाई से छोटा है तब उस केस में आसान क्या हुआ एक्स, और एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा देन कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स होने के इसमें स्मॉल में क्या आसान होगा, वैल्यू ऑफ वाई लाइक दैट। इस टाइप से कंडीशंस टेस्ट करना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन मीन्स इनिशियली प्रोग्राम किसके लिए क्रिएट किया था, लार्जेस्ट नंबर के लिए। वन मोर थिंग्स, लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर चेक करने के कई सारे अल्टरनेटिव अप्रोचेस अवेलेबल हैं। मीन्स अगेन वेरिएबल यूज करना है ग्रेटर देन, मीन्स अगेन लार्जेस्ट नंबर के लिए फिर से प्रोग्राम राइट कर लिया, देन कुछ कंपेरिजन शो करना इसके, इसमें कंपेरिजन इज रिलेटेड टू इंटरव्यू राउंड, इसे इंटरव्यू राउंड्स के अकॉर्डिंग एक ही प्रॉब्लम के हो सकता है मल्टीपल अप्रोचेज अवेलेबल फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम्स, बट इन दैट केस फाइंड आउट करना विच वन इज बेस्ट। इस सपोज दैट एक ही प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल अप्रोचेज गिवन है, देन आउट ऑफ एन अप्रोच आपको फाइंड आउट करना विच वन इज अ बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच आइडेंटिफाई किसके रिस्पेक्ट में करो, बेस्ड ऑन काउंटिंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर जब नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ ऑपरेशंस मोर होंगे उस केस में एग्जीक्यूशन भी टाइम कैसा होगा मोर, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस लेस होंगे देन एग्जीक्यूशन टाइम भी कैसा होगा प्रोग्राम का ऑल्सो लेस, और सेम एज मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सभी में ओनली एक्चुअल लॉजिक्स को कॉन्सेंट्रेट करने की बात करूँ, मीन्स प्रीवियस केस में टू नंबर्स को कंपेयर करने का लॉजिक क्या प्रोवाइड किया है दैट वन। बट सपोज दैट मीन्स प्रीवियस केस में वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने थे, थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई और लार्ज, मीन्स एवरीथिंग दोनों ही प्रोग्राम में एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस, लेकिन मैं बात करूँ ओनली दैट ऑपरेशन, मीन्स प्रीवियस केस में कंपेरिजन करने के लिए यूज क्या किया इफ एज वेल एज एल्स। बट सपोज दैट सेकेंड केस में अगेन वेरिएबल डिक्लेरेशन सेम है एक्स वाई एंड लार्ज, प्लस अगेन स्कैन एप्स के थ्रू डेटा रीड करने की जस्ट बात, मैं बात कर रहा हूँ ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग दैट पार्ट। इस पार्ट के केसेस में सपोज दैट प्रीवियस केस में इफ और एल्स के अकॉर्डिंग कंपेरिजन प्रोवाइड किया, बट सपोज दैट एक्स और वाई का वैल्यू रीड करने की जस्ट बात में एक्स या वाई में से किसी भी एक को कंसिडर कर लेता इनिशियली एज अ लार्जेस्ट नंबर, मे बी एक्स और मे बी वाई, मीन्स विदाउट चेकिंग एनी कंडीशंस डायरेक्टली लार्ज में क्या आसान किया एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ नाउ एक्स इज लार्जेस्ट, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं कि एक्स ही लार्ज होगा, इनिशियली खुद से एज्यूम क्या कर लिया एक्स इज लार्ज, इसलिए लार्ज वेरिएबल में क्या आसान किया वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन दूसरा पॉसिबल केस क्या है मे बी वाई इज लार्ज, अगर वाई का वैल्यू एक्स से बड़ा है मीन्स इस केस में कंडीशन अप्लाई किया इफ लार्ज लेस देन वाई, अगर एग्जिस्टिंग लार्ज का वैल्यू वाई से छोटा है मीन्स लार्ज को कंपेयर करो या एक्स को कंपेयर करो दोनों के मीनिंग कैसे सेम, बिकॉज करेंटली वेरिएबल लार्ज के अंदर भी क्या स्टोर है ऑल्सो वैल्यू ऑफ एक्स, तो इनडायरेक्टली कंपेरिजन किसका हो रहा है एक्स का। अगर एक कंडीशन ट्रू है देन इसका अंदर दोनों में से लार्ज और वाई में से लार्जेस्ट कौन है लार्ज और वाई वाई, अगर वाई लार्ज है देन लार्ज में कैसे करा लेंगे कंडीशंस के बेस पर लार्ज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वाई। दिस द अनदर वे, इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या करा लेंगे दोनों ही केस के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल लार्ज समथिंग लाइक दैट, मीन्स दोनों ही केसेस में अगर बात करें दोनों ही प्रॉब्लम से सॉल्व किया हो रहा है एग्जैक्टली लार्जेस्ट नंबर, चेकिंग द लार्जेस्ट नंबर अमंग टू इंटीजर्स, लेकिन दोनों ही केस में लॉजिकली डिफरेंस क्रिएट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑपरेशंस, मीन्स आउटपुट वाइज बात करें दोनों के आउटपुट्स कैसे आएंगे सेम, दोनों ही ऑपरेशंस के थ्रू एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स सॉल्व हो रहा है, लेकिन दोनों में से बेस्ट अप्रोच क्या हुआ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन टाइम।
इन दैट केस, इस केस में इफ भी प्रोवाइड किया एज वेल एज एल्स भी प्रोवाइड किया, लेकिन सेकंड अप्रोच के अंदर ओनली प्रोवाइड क्या किया, इफ कंडीशन नॉट अ एल्स कंडीशन, मींस इस केस में प्रोग्राम क्रिएट किया विदाउट यूजिंग एल्स, एल्स ब्लॉक की नीड ही नहीं है इस केस में। अगर आप टेस्ट करोगे एक्स वाई और लार्ज, सपोज दैट एक्स का वैल्यू 10 है वाई का वैल्यू 20 है, फर्स्ट टाइम एक्स का वैल्यू का 10 है तो लार्ज में क्या आसान हो जाएगा, इनिशियली वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 10, कंडीशन टेस्ट करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज का वैल्यू क्या अभी 10, 10 लेस देन वाई का वैल्यू क्या 20, कंडीशन इज फॉल्स, सॉरी कंडीशन इज ट्रू, 10 लेस देन 20 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अकॉर्डिंग लार्ज में क्या आसान हो जाएगा वैल्यू ऑफ वाई, नेक्स्ट टाइम लार्ज का वैल्यू क्या होगा वाई का वैल्यू 20, इसलिए लार्ज में क्या आसान हो 20, मीन्स करेंटली लार्ज में क्या फाउंड आउट हो रहा है लार्जेस्ट नंबर। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, सपोज दैट एक्स का वैल्यू 20 और वाई का वैल्यू क्या करेंटली 10, अगेन इनिशियली एक्स का वैल्यू का 20 है देन लार्ज में भी कैसा हो जाएगा ऑल्सो 20, देन कंडीशन टेस्ट होगा लार्ज का वैल्यू क्या करेंटली 20 लेस देन वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या है 10, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है इस केस में बॉडी को चांस प्रोवाइड नहीं हुआ, फिर भी अभी भी लार्ज के अंदर फाउंड क्या हो रहा है लार्जेस्ट नंबर अमंग टू इंटीजर्स, इसे दोनों ही प्रॉब्लम से एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों में से बेस्ट अप्रोच क्या है, विच वन इज अ बेस्ट, फर्स्ट और सेकेंड, अगर कोडिंग वाइज बात करें तो कोडिंग वाइज बेस्ट वन क्या हो रहा है सेकेंड वन, क्यों, इस केस में ओनली इफ के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व किया विदाउट यूजिंग एल्स ब्लॉक, लेकिन ऑपरेशनल वाइज बात करें नंबर ऑफ ऑपरेशंस, फर्स्ट केस में काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में सबसे पहले मीन्स टू पॉसिबल केस होंगे, या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा, दोनों के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू रिस्पेक्ट टू द फॉल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू है सबसे पहले दोनों ही केस मीन्स फर्स्ट केस में चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो सबसे पहले प्रथम क्या हुआ ग्रेटर देन, पहले मैं ट्रू के लिए चेक कर रहा हूँ ग्रेटर देन सॉल्व हुआ, ग्रेटर देन के बाद अगर कंडीशन टू देन चांस किसको मिलेगा इक्वल, इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने रिजल्ट हो रहे हैं टू ग्रेटर कंपैरिजन और असाइनमेंट्स, नेक्स्ट वन अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स है तो कंपैरिजन तभी भी होगा इस केस में, इसलिए ग्रेटर देन को दोनों ही केस में चांस प्रोवाइड हुआ, कंडीशन फॉल्स है देन एल्स का बॉडी एग्जीड और एल्स बॉडी के अंदर भी अगेन क्या है इक्वल, मीन्स फर्स्ट केस में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं टू, सेम है इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं टू इन फर्स्ट केस, अब सेकेंड केस में कंपेरिजन कर दें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रू और रिस्पेक्ट टू फॉल्स, इस कंडीशन क्या हुआ आइदर ट्रू या फॉल्स, नेक्स्ट वन फर्स्ट केस अगर कंडीशन ट्रू सबसे पहले लार्ज में क्या आसान हुआ वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स ट्रू के रिस्पेक्ट में मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो मीन्स सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ असाइनमेंट, सेकेंड केस में परफॉर्म क्या हुआ कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग मीन्स लेस देन, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग अगेन चांस किसको मिल रहा है असाइनमेंट को, देन इस केस में ट्रू होने केस में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होने चांसेस हैं असाइनमेंट लेस देन असाइनमेंट, मीन्स देयर आर थ्री ऑपरेशंस, सेकेंड केस में बात करें अगर कंडीशन फॉल्स है तभी फर्स्ट असाइनमेंट परफॉर्म किया, फर्स्ट असाइनमेंट अनकंडीशनली परफॉर्म हो रहा है मीन्स दोनों ही केस में चांस मिलेगा असाइनमेंट के जस्ट बाद देन कंपैरिजन, असाइनमेंट और कंपैरिजन दोनों ही केसेस में मैंडेटरी है मीन्स चाहे कंडीशन ट्रू है फॉल्स हो, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन नेक्स्ट असाइनमेंट को चांस प्रोवाइड नहीं होगा, देन इस केस में ऑपरेशंस कितने परफॉर्म फॉल्स होने केस में टू, फर्स्ट और सेकेंड कोड को अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट कोड के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑपरेशंस कितने हैं टू और टू, लेकिन इस केस में मैक्सिमम ऑपरेशंस कितने हैं थ्री, मीन्स इन दोनों में से लेस ऑपरेशन किसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड, मीन्स अगर कोडिंग वाइज बात करें लेस कोड कोडिंग वाइज बेस्ट अप्रोच क्या है सेकेंड, लेकिन अगर ऑपरेशनल वाइज बात करें और परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस किसका बेस्ट है इस केस में फर्स्ट वन, दिस इज द रिकमेंडेड केस टू यूज़।